नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। हल्द्वानी के रोडवेज परिसर में उत्तराखंड परिवहन निगम और शासन प्रशासन की ओर से अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। दरअसल पुलिस ने परिसर में अवैध रूप से बनी दुकानों को जेसीबी की मदद से तुड़वा दिया। इस दौरान पुलिस के विरोध में उतरी आम आदमी पार्टी के 6 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं विरोध के दौरान पुलिस बल और कार्यकर्ताओं के बीच जमकर धक्का मुक्की भी हुई। क्या है पूरे मामले का सच, आप भी देखिए। हल्द्वानी में उत्तराखंड परिवहन के परिसर में अवैध रूप से बनाई गई दुकानों को आज जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने भारी पुलिस बल के साथ तोड़ दिया है। इस दौरान पुलिस प्रशासन के विरोध में उतरी आम आदमी पार्टी के 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि आज सुबह जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने रोडवेज पर बनाई जा रही अवैध रूप से दुकानों को जेसीबी के माध्यम से तोड़ा। वहीं मामले की सूचना मिलते ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए, जिसके बाद पुलिस ने भारी पुलिस बल बुलवाकर जबरन धरने पर बैठे आम आदमी पार्टी के लोगों को उठाकर कोतवाली ले गई। इस दौरान नायब तहसीलदार का कहना है कि रोडवेज के अंदर अवैध रूप से दुकानें बनाई जा रही थी, जिसकी शिकायत कोतवाली को मिली, जिसके बाद जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने दुकानों को तोड़ा। वहीं विरोध कर रहे आम आदमी पार्टी के 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक लोगों की ओर से लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा था। वहीं पार्टी कार्यकर्ता बिना बताए धरने पर बैठ गए, जिसमें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पुलिस प्रशासन के बीच धक्का मुक्की भी हुई, जिसके बाद पुलिस ने पार्टी के 6 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। सर, वो जो अतिक्रमण हटाने की बात कर रहे हैं, तो एक कोर्ट के में केस चल रहा है एक दुकान का, और अभी जिस तरह से जो चीज़ें चल रही हैं, जिस तरह से कोरोना काल है, तो अगर मानवीय दृष्टि से देखें तो जो ये कार्रवाई होती वो थोड़े समय बाद होती तो बेहतर रहता। तो हम इसका पूरा विरोध करते हैं, और अगर कोर्ट में केस विचाराधीन है तो जिन दुकानों का कोर्ट में केस विचाराधीन होगा, जब तक ये लोग उनको नोटिस नहीं देते हम उन दुकानों को नहीं खोलेंगे। ये रोडवेज में जो अतिक्रमण हो रखा है, उसके लिए हमारे SDM महोदय के द्वारा हमसे फोर्स की डिमांड की गई थी, तो आज मजिस्ट्रेट के साथ में हमने फोर्स भेजा है वहाँ पर। और जो हमारे संज्ञान में है कि वहाँ पर उन कुछ व्यापारी लोगों ने, 5-6 लोगों ने उसका विरोध किया, तो उनको हम सुसंगत धाराओं में, शांति भंग के धाराओं में उनको उनका चालन कर रहे हैं, और फिलहाल अतिक्रमण वहाँ से हटाया जा रहा है। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।